आज मैं आपको बताऊंगी एक मज़ेदार रेसिपी। अगर आपके घर में कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है और जस्ट ब्रेड है और दो तीन एग हैं तो आप एक मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। इंतहा ईजी और सिंपल है। तो मिस बिल्ला रकमर वहीम असलम वेलकम बैक टू माई चैनल अब्दुल्ला बेटी। अगर यू लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देख रहे हैं मैंने टू एग्स लिए हैं। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, तो आप शुगर दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास पीसी हुई थी तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा मतलब के इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने उसके बाद एग डाला है, मतलब कि मिल्क डाला है। मिल्क डालने के बाद इसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है ताकि सब अच्छी तरह यकजान हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता दी, 2 ब्रेड लेनी है। जी हाँ, जस्ट 2 ब्रेड लेने, जितना आप मतलब कि जितनी आप ब्रेड को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसका लुक आ चुका है। अब इन ब्रेड को हमने चारों साइड से थोड़ा सा कट कर देना है। कट इसलिए करना है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए और रेसिपी मेरी परफेक्ट बन जाए। तो आपने जो वो वाले पीस है उनको ज़ाया नहीं करना, आप उनको खा लीजिएगा, बिल्कुल रिजक ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद ये देखें 2 ब्रेड को एक थाली में ले लिया। उसके बाद जो मैंने आपको एग वाला दिखाया था तो ये इसके ऊपर मैं डालना शुरू कर दूंगी। तो ये देखें ज़बरदस्त एक देखें इस तरह डालना है आपने, इस तरीके से डालना है कि आपके जो ब्रेड है सब अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए। तो ये देखें इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह आपने ऊपर से नीचे तक इसको डिप कर लेना ताकि जो हमारा एग है मिल्क है और जो हमने शुगर इसमें थोड़ी सी यूज़ की है वो अच्छी तरह इसको लग जाए। तो इसको भी कर लिया और मैंने उसको भी ये दोनों को करने के बाद देखे एक फ्राई पैन लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल या घी मक्खन जो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फिर इसको इसमें ऐड कर दें। तो ये दोनों हमने एक दूसरे को ऊपर रख दिए हैं। तो ये देखे आपको नीचे भी एक ब्रेड नज़र आ रहा है, ऊपर भी एक ब्रेड नज़र आ रहा है। अब नीचे से थोड़ा सा लो फ्लेम पर हम लोगों ने इसको नीचे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसका रुख चेंज कर दिया। तो मिस बिल्ला पढ़ के मैंने इसका रुख चेंज किया है। तो ये देखे कलर ज़बरदस्त आ चुका है और मैंने दोनों साइड से ये देखे लो फ्लेम पर पका के आपको दिखा चुकी है। तो दोनों साइड से पक चुका है। तो अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर से तो हमने पका लिया, अब रहा रही बात साइड्स की, यानी साइड्स को भी पकाना है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। तो ये देखे आपने यूँ उठा के इसको कलर को फ्राई कर लेना है। तो ये देखे पहले लेफ्ट साइड को राइट साइड को अप डाउन इस तरह आपने चारों साइड से इसको फ्राई कर लेना है हल्का हल्का सा। और इससे क्या होता है एक अच्छा सा लुक आता है, रेसिपी भी आपकी अच्छी सी बन जाती है। तो ये देखे ऊपर से और नीचे से इस तरह फ्राई करने के बाद हल्का सा आपने बस टच थोड़ा सा फ्राई करना होता है। तो एक ज़बरदस्त आपका बस फ्राई हो जाएगा। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, आप मेरी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क या गांव सिटी से देख रहे हैं, अच्छा सा फीडबैक भी दीजिएगा। तो ये खैर अलहमदिल्ला मेरी बन चुकी है। अब इसको क्या करूँगी, कटिंग करके दिखाती हूँ। इसमें से देखें इतना ज़बरदस्त लुक कलर भी आया माशाल्लाह, देखें इतना सॉफ्ट और नरम लाइन बन जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने कटिंग की तो इसके अंदर से बिल्कुल लुक एक बहुत अच्छी खासी लुक आई थी। तो ये देखें अच्छी सी लुक भी आ चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त एक ब्रेड बन चुकी है। थोड़ा सा हटके खाने को जब दिल करे तो ये रेसिपी बनाएं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छा सा फीडबैक भी दीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।